सो फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई फास्ट, तो आज ही हम ये कंप्लीट कर लेंगे। द प्रोसेस बाय विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइन। हियर एक्सप्लेन वर्ड इज नॉट देयर, इट मिस्ड, तो प्लीज एक्सप्लेन एनीवन। ओके, फोटोसिंथेसिस तो है, ठीक है, ये वन मार्क का है, तो क्या बोलोगे आप इसमें, क्या एक्सप्लेन करोगे? वेटिंग, फास्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। एनीवन? ओके अरिहंत, यस अरिहंत, मैम 6CO2 प्लस 12H2O विल क्रिएट C6H12O6 विल प्लस अरिहंत, 6O2। बेटा आंसर लिख के बता रहे हो ना, चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? नो मैम, नहीं कर रहा हूँ। ओके गुड, हाँ कंटिन्यू। मैम 1 मार्क्स का तो बस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब लिख देंगे और उसकी इक्वेशन बता देंगे। ओके कुछ इसमें क्लोरोफिल, पिगमेंटेशन, केमिकल एनर्जी से सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है, इसमें हम कुछ और ऐड नहीं कर सकते क्या? अगर 1 मार्क का है और हमें अगर कुछ आता है, विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके आयुष, अच्छा ठीक है, ठीक है दर्शन, ओके राशि, यस, ओके ग्रेट, ठीक है चलो 1 मार्क का है, गुड अरिहंत। दिस क्वेश्चन, नेम द कॉम्पोनेंट विच यू विल ऑब्जर्व व्हेन यू फोकस द स्टोमेटा स्लाइड अंडर द हाई पावर ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप। आपको क्या दिखेगा उसमें? अगर आपको स्लो, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बोल रहा है कि व्हेन यू हैव टू फोकस द स्टोमेटा, तो स्टोमेटा फोकस करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टोमेटा में क्या क्या। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। गार्ड सेल दिखेगा, क्लोरोफिल दिखेगा, थैलाकोइड दिखेगा, स्टोमेटल पोर दिखेगा, वेरी गुड। ओके ओके ग्राना, यस गार्ड सेल्स, एक्सीलेंट। चलो नाउ द नेक्स्ट, राइट वन फंक्शन ऑफ वॉल्व्स इन द वॉल्स ऑफ वेन्स। क्या करता है वेन्स? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स? जब था तब आपने आंसर मुझे कुछ दिया था, याद करो और अभी बताओ। वेरी गुड आयुष, वीरम, एक्सीलेंट, संभव, यस। सो द आंसर इज बैक फ्लो इज स्टॉप्ड टू अवॉइड बैक फ्लो, बैक फ्लो इन वन डायरेक्शन, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यस, प्रिवेंट फ्रॉम बैक फ्लो, बैकवर्ड फ्लो, यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? टू मेन कॉम्पोनेंट्स, वेरी गुड नितिका, अरिहंत, वेरी गुड। बट लिविंग एंड नॉन लिविंग आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, आप साइंटिफिकली अगर लिखोगे तो बायोटिक एंड एबायोटिक लिखोगे इसमें, ठीक है, इट इज गुड। नेक्स्ट है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ फूड चेन थ्रू विच द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड? ये मैंने तुमको समझाया है, बताओ। ट्रांसफर ऑफ फूड चेन या लेवल ऑफ एनर्जी? नहीं अक्षर, यस यस अरिहंत, यू आर रॉन्ग, फूड वेब नहीं आएगा इसमें, ठीक है। वीरम, ट्रॉफिक लेवल, यस, हाँ अक्षर, 10% लॉ नहीं आएगा, पूछ रहा है वेरियस स्टेप्स ऑफ फूड चेन थ्रू विच द ट्रांसफर ऑफ फूड, स्टेप सीढ़ी पूछ रहा है, फूड चेन में क्या होगा कि जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आएगा। अगर लॉ पूछता तो आप उसमें लिख सकते थे 10% लॉ,
बट आई थिंक हियर 10% लॉ विल नहीं नहीं आएगा 10% लॉ इसमें यही आएगा ट्रॉफिक लेवल ही आएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये सैंपल पेपर लिटिल डिफिकल्ट ना तो थोड़ा सा ध्यान से Chemosynthetic mode of nutrition is important, is different from the photosynthetic mode in which way? Chemosynthetic? Yes, Veeram? Yes, ma'am. Huh. Ma'am, there is, in autotrophic mode of nutrition, there are two modes. One is chemosynthesis and another is photosynthesis. In photosynthesis, the plants have green pigments called chlorophyll, which helps in preparation of food. But in chemosynthesis, which happens in sulfur bacteria, they do not have any special pigments, but they have special chemicals which involves in synthesis of food. Okay, good. Sambhav? Sambhav? Yes, ma'am. Ma'am, in photosynthesis, the food is made with the help of sunlight, and in chemosynthesis, it is made with the help of chemical energy. Very good. So, Sambhav और वीरम ने जो आंसर दिया है वो किसको समझ में नहीं आया है प्लीज एक बार बता दो जस्ट रेज योर हैंड किसको नहीं समझ में आया है प्लीज अक्षर यस अक्षत whom you want to repeat the answer वीरम और संभव मैम वीरम ओके वीरम प्लीज रिपीट वंस अगेन यस वीरम यस मैम मैम इन फोटोसिंथेसिस देयर इज अ पिगमेंट इन ग्रीन प्लांट्स व्हिच इज क्लोरोफिल दैट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ एनर्जी बट इन केमोसिंथेसिस देयर इज नॉट सच पिगमेंट They have some specialized chemicals which helps in synthesis of food. Example, sulfur bacteria of chemosynthesis. Akshat, koi doubt? Ma'am, jo blue-green algae hai, wo kaun se means, dono mein kaun se mein aayegi? Okay, Veeram, any answer? Ma'am, I think it is in photosynthesis. Because they have green pigment of chlorophyll. Yes, exactly. Blue-green algae comes in photosynthesis. Yeah, photosynthetic mode. Yes, ma'am. Okay. Okay, Vardhaman ne likha hai answer. Okay, Vardhaman needs answer of chemosynthetic mode of nutrition. Chemosynthetic, chemo ka matlab kya samajh mein aata hai? Related to the chemical. Theek hai? Chemo word aya to chemical. Chloro word aya to green pigments. Photo word aya to light. Kuch words aise hote hai. To ab bol raha hai chemosynthetic mode of nutrition kaise different hua photosynthetic se. To photosynthetic to hum chote se padhte aa rahe photosynthesis. Light reaction, photosynthesis, light reaction. Chemosynthetic is the product which we get from the plant. वो कैसे मिलता है? Through chemical. वो chemical कैसे बनता है? From the light energy into chemical energy. वो chemical जो produce होता है, जिसके कारण हमें एक पूरे season के बाद mango मिलता है गर्मी में. That is the chemosynthetic mode of nutrition. Yes. क्लोरोफिल तो इंपॉर्टेंट है ही यस नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये गलतियों का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है बहुत से लोग इसमें गलती करेंगे ध्यान से देखो फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन रीजन एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ असर्शन एंड रीजन
नितिका प्लीज गिव द ऑप्शन ना ए बी एंड सी, तो क्या होगा, इजी होगा टू चेक करना. ओके वर्धमान यू आर ओनली करेक्ट अभी तक तो, और वर्धमान यू आर ओनली करेक्ट अभी. यू वाई यू आर ओनली करेक्ट. मिली इज ऑल्सो करेक्ट नाउ. कैन यू एक्सप्लेन दिस मिली और वर्धमान, कैन यू एक्सप्लेन वाई योर ऑप्शन इज सो. प्लीज टेल. आई एम फर्स्ट आई एम आस्किंग टू वर्धमान. यस वर्धमान स्पीक प्लीज. वर्धमान वर्धमान यस मैम. मैम बिकॉज assertion is correct, photosynthesis is considered as endothermic reaction, but the reason which is given is energy gets released in the process of photosynthesis. In endothermic reaction, energy do not get released. Energy is released in exothermic reaction. Okay. So have you heard this endothermic and exothermic in chemistry? पढ़ा है? Yes. ये पढ़ा है ना? तो endothermic में क्या समझ में आता है? Exothermic क्या होता है और endothermic क्या होता है? मुझे बता दो बस. Energy is liberated in exothermic and energy and heat is liberated in exothermic and energy is used and consumed in endothermic. Yes. तो main point इसमें यही था. Excellent वर्धमान. सिर्फ इतना ही explain करना है इसमें. And the correct option is B. कि both assertion and reason are correct. दोनों अपनी जगह पे सही है. But reason is not the करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ये इसका करेक्ट आंसर है. एंड as it is explained by the endothermic, energy get released in the process of photosynthesis. ये सही बोल रहा है. And the endothermic reaction is just explained by the Vardhaman that it is get involved in the reaction. So release and involve, both points are different. इसलिए दोनों point अपनी जगह पे सही है, but explanation एक दूसरे का अलग है. Okay? Now okay, thank you. Very good, Millie. Millie ne answer already written. She has written the answer that photosynthesis is endothermic as it involves in light energy. But the endothermic reaction should be light energy and involved. Only this much she has written. I hope you have understood. Chalo next mein badhte hain. ये भी बहुत इजी है, समझ में आ जाना चाहिए. मैन इज एन ओमनीवोर असर्शन एंड द रीजन इज मैन ईट फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. ओके वेरी गुड अक्षर, दर्शन, वर्धमान, मैत्री, संभव, मिली, यस. तो फिर मुझे समझाना ही नहीं है. चलो बहुत अच्छा हुआ कि ये लगभग सभी लोगों का आंसर करेक्ट था ये. ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स. बाइल इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स. रीजन, बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम्स. Bile juice contains enzymes. What is the correct option? No. This time Akshat, Mehul, galat hai. Sambhav is only correct. Nahi, Vardhaman, Rashi. Please read again. Now Sambhav, be ready with your explanation. Aur yahan tukka nahi chalega. Arihant, yes, good. You are also correct. Be ready with your explanation, Arihant and Sambhav.
ओके सो आई विल मूव ऑन विद द संभव. पहले संभव ने आंसर दिया था. हाँ यस संभव. यस मैम. मैम बाइल जूस सीक्रेट्स लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट. यस एंड इट डजंट कंटेन एनी एंजाइम्स. बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स. हाँ विल दिस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लिपिड. बट यू सेड द ऑप्शन इज सी. ठीक है. हाँ मैम. आर इज फॉल्स. तो ये तो दोनों सही है. तो आर इसके कंपैरिजन में कैसे फॉल्स हुआ? मैम बाइल जूस इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स बट इट डजंट कंटेन्स एनी एंजाइम्स. वेरी गुड. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ इमल्सिफिकेशन ऑफ कुछ वर्ड है क्या इसमें? यस मैम. हाँ तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा कि इमल्सिफिकेशन ऑफ या इमल्सिफाइज फैट लोब्यूल्स. वेरी गुड संभव. वेरी गुड. यस यस अक्षर नीरम. ठीक है. ठीक तो ये तुमको समझ में आ गया. चलो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं. नेक्स्ट इज वेरिएशन आर सीन इन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रीजन DNA molecules generated by replication is not exactly identical to original DNA. DNA molecules generated by replication is not exactly identical to the original DNA. इतना जल्दी आंसर देने की जल्दी मत करो. पहले अच्छे से पढ़ लो. कहीं तुमको लगता है कुछ बोलना है. ओके यस आयुष. दिस इज असर्शन. वेरिएशन आर सीन इन ऑफस्प्रिंग. वेरिएशन तुमको क्यों दिखता है? प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन दिखता है. वेरिएशन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, डिपेंड अपॉन द डिफरेंट स्पीशीज. तो ये होता है वेरिएशन. नहीं नहीं वीरम. नो नो दिस इज नो. दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर. नो अक्षर. ये हो गया वेरिएशन. आर सीन इन ऑफस्प्रिंग. वेरिएशन मैंने तुमको समझाया था कि वेरिएशन एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है. कोई जीन्स आ जाता है, कोई दूसरा स्पीशीज अगर हमारे स्पीशीज में ज्वाइंट हो जाएगा तो आपको वेरिएशन दिखेगा. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पूछ रहा है assertion. अब रीजन आपको बोलता है डीएनए मॉलिक्यूल्स जनरेटेड बाय रेप्लिकेशन इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल डीएनए. तो ऑब्वियसली वेरिएशन आपको तब दिखेगा जब डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं करेंगे. अगर वो एग्जैक्टली कॉपी करेंगे तो वेरिएशन कैसे होगा? हाँ संभव, मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूं आपको. तो फिर से मैं बता रही हूं, वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस होना. अब हम इंडियंस हैं, हमारे अगर किसी स्टेट में आके कोई अफ्रीका वाला रुक गया, उसकी मैरिज हुई, उसका फर्स्ट जनरेशन आया, उसका सेकंड जनरेशन आया, फर्स्ट जनरेशन में तो उसके बच्चे वैसे ही सारे ब्लैक होंगे. ठीक है. सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में उसके बच्चे थोड़े से चेंज होंगे. अक्षत नाउ इट इज करेक्ट. यस अक्षत यू आर करेक्ट. वर्धमान करेक्ट. हाँ डीएनए रेप्लिकेशन से बहुत कम होता है, लेकिन नहीं होता है ये नहीं लिखा है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता नहीं बोल रहा है. इसने बोला है डीएनए मॉलिक्यूल्स जनरेटेड बाय रेप्लिकेशन इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल डीएनए. एग्जैक्टली नहीं होता तभी तो वेरिएशन कहलाता है. एग्जैक्टली होगा तो हम तो एसेक्सुअल में तो सेम टू सेम वैसे ही बन जाएगा ना. मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि मुझे अगर फ्रूटिंग चाहिए, मुझे अगर मैंगो का एग्जांपल ले लो, मुझे अगर सेम मैंगो टेस्ट चाहिए
तो मुझे उसकी डीएनए कॉपी एग्जैक्टली वाली करनी पड़ेगी वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। बट अगर वो अपने आप हो रहा है, किसी ने कोई बीज फेंक दिया है, तो कुछ वेरिएशन आएगा, क्योंकि वो जो मैंगो का बीज है वो हम कहीं से लाए हुए हैं, वो हमारे एरिया में नहीं उग रहा है। तो उसमें वेरिएशन जो आया डिपेंड अपॉन द वाटर, विंड, सनलाइट, जो वेरिएशन आता है वो कहलाता है वेरिएशन वर्ड। ठीक है, तो ये वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा था। इसका करेक्ट आंसर है, दोनों सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, क्योंकि डीएनए जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंप्लीट कॉपी नहीं करता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू वो कंप्लीट कॉपी कर सकता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े कि अभी भी डाउट है इसमें? सो द करेक्ट आंसर इज ए। हाँ अक्षत, ये एसेक्सुअल है, मैं एसेक्सुअल की ही बात कर रही हूँ। इतना मैंने जो तुमको पूरा समझाया अभी, एक छोटे से आम के बीज को लेकर, वो एसेक्सुअल ही था, वेरिएशन एसेक्सुअल में। यही तो मतलब है तुम लोगों को सैंपल पेपर मेरा करवाने का, कि तुम लोग सबसे ज्यादा तो गलतियां करोगे ना। 4 मार्क्स का आएगा एसर्शन रीजन, और मुझे पता है उस 4 मार्क्स में शायद ही कोई होगा जो 4 out of 4 लाएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो। So the next question, देख लो, संजय studied about blood circulation in humans. He wanted to observe the flow of blood. Was about to cut his finger a bit. He suddenly realized that this could be fatal. Okay, Akshat ने answer मुझे दे दिया है. I am waiting for others. यस अक्षत, ठीक है, करेक्ट, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दिस इज द डायग्राम शोज द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द हार्ट, दिस इज द वर्टिकल सेक्शन। ठीक, आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको हिंट देने के लिए कि लेफ्ट साइड है, जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो। Now you have this 4 options कि वो क्या हो सकता है, ध्यान से देख लो। What will be the first? ये left side आपको hint के लिए दिया हुआ है, so this is the left part, atrium, उधर क्या होगा? No, no, Arihan, you have to choose the option A, B and C, D. आपको ये पहले पूरा tally करना है, then you have to choose the option कि आपके इस नंबरिंग के हिसाब से इधर कौन कौन सा मैच कर रहा है, then you give the correct answer। वन, टू, दिस इज 3 एंड दिस इज 4th। यस अरिहंत, संभव, गुड, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नो 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 आयुष, दर्शन नहीं, मिली ऑल्सो नो, वीरम नो, नो वीरम, अब नहीं दर्शन, नो अक्षत, यस दर्शन, नाउ इट्स करेक्ट। अब तुम सब बोल दोगे तो कोई तो एक सही होगा। नो वीरम, सब बोल दिया वीरम ने, यस। अब जब तीनों बोल दोगे तो चौथा तो ऑप्शन करेक्ट हो गई। सो चलो, दिस इज द फोर्थ, द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव दिस टेबल, देखो इस टेबल को ध्यान से, दिस इज द टेबल। द टेबल शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड इन वन ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड द प्रेशर। ठीक, O2, CO2 एंड प्रेशर। सो हियर इज दैट टेबल, O2, CO2 एंड प्रेशर। अब आपके सामने क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल्स कंटेन ब्लड विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा वेसल सबसे ज्यादा इनमें से ये कैरेक्टर फॉलो करता है।
मिली ओनली करेक्ट, मिली इज ओनली करेक्ट. देखो तुम लोग सब ना ए बी सी डी खेल रहे हो मेरे साथ, मुझे सिर्फ एक ही बार आंसर दोगे. वीराम, अक्षर, बार बार मुझे आंसर नहीं देना, एक बार आंसर देके चुप बैठ जाओ. आयुष, यस यू आर राइट. सो ओनली आयुष एंड मिली इज राइट. और कोई है जिसको आंसर देना है? This is the concentration level of oxygen, carbon dioxide and the pressure. And these are the vessels. आपको बताना है इसको कौन फॉलो करता है, aorta, pulmonary artery, pulmonary veins and vena cava. So the correct answer is, एक बार देख लू मैं और कौन देना चाह रहा correct answer. Yes, Akshat. The correct answer is A, aorta. Aorta is having high concentration of oxygen, carbon dioxide and pressure. ये वाला तो सबको आएगा, इसलिए मुझे पूछना ही नहीं है तुमसे. The color of blood is red due to the presence of. ये मुझे पता है, सबको आता है. Next question, question number 5. Which of the following chambers of the human heart contain oxygenated blood? ये भी आता है, अभी मैंने बताया. ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताओ. देखो अभी बताया था अक्षर, दर्शन, तुम लोगों से अभी मैंने डिस्कस किया था और तुम लोगों ने फिर यस. अरिहंत, ओके. मिली, राशि इज रॉन्ग. लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तुम लोग के सामने तोते जैसे बोलते जा रही हूँ, तुम लोग सब भूल जाओ. आगे पांच पार्ट, पीछे सपाट. सो फॉर टूडेज दिस मच, टुमोरो आई विल स्टार्ट विद द लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस हम एक बार फिर से पढ़ेंगे. अब बताओ वीरम, अभी सैंपल पेपर तो धीरे धीरे हम थोड़ा ऊपर के उसमें जा रहे थे. नाउ आई एम अगेन, आई हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर्स. ठीक है, हम कल टुमारो स्टार्ट विद द चैप्टर. किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? यस वीरम, यस. थैंक यू मिली. aorta function. अच्छा अक्षर, आयुष, सॉरी आयुष, जब हम कल लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पढ़ेंगे तो तुम मुझे रिमाइंड कराना, मैं तुमको aorta का फंक्शन के बारे में बताऊंगी. अब इस क्वेश्चन के बेस पे तुमको समझाऊंगी तो कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा. वीराम, पहले चैप्टर एक बार और रिवाइज कर ले, फिर हम सैंपल पेपर करेंगे. मेरे पास बहुत ढेर सारे सैंपल पेपर है, डोंट टेक टेंशन. हाँ ठीक है ना आयुष, ठीक है. ओके, सो गुड डे, बाय.